जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक साल पूरा होने पर उत्साह मना रही है और अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने उनके समक्ष पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनकी उपलब्धियों को उनके एक साल के कामकाज को नकारती हुई नजर आ रही है। इस मसले पर बातचीत करें मौजूद में बीजेपी की तरफ से देखा जाए जिस तरीके से जो कामकाज किया गया है, एक तरफ जहाँ पे अरविंद केजरीवाल से उत्सव के रूप में मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इसे बिल्कुल खरे से नकारती हुई नजर आ रही है और कई कमियां जो है जता रही है। क्या लगता है कि कैसा रहा अरविंद केजरीवाल का ये एक साल की हुकूमत? ये केवल बीजेपी कह रही है ऐसा नहीं है, दिल्ली की 1.25 करोड़ की जो आबादी है उससे पूछिए जाकर के क्या एक साल में इस केजरीवाल सरकार ने एक भी विकास का कार्य किया है, कोई एक भी टेंडर, कोई एक भी वर्क ऑर्डर ऐसा हुआ है जिसका काम हुआ हो? कितने विषय कहे थे, क्या वाईफाई मिल गया है युवाओं को, क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल गई है, क्या फ्री बिजली पानी के जो उनके वायदे थे वो काम हो गए हैं? एक भी काम ये सरकार कर नहीं पाई है, केवल रोज के रोज नया बवाल दिल्ली के खर्चे पे देश भर की राजनीति करना और लाशों के ऊपर राजनीति करना इस मुख्यमंत्री का शौक है। और मुझे लगता है कि जो लोकपाल का और स्वराज का एक सपना उन्होंने जनता को बेचा वो केवल एक ठेकेदारी थी, एक दुकानदारी थी, जनता को कुछ नहीं मिला। दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। जैसे कि आपने सवाल उठाया कि ना वाईफाई मिली, ना महिला को सुरक्षा मिला, ना ही वेट को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल आज उत्सव मना रहे हैं और लोगों के सामने पेश हो रहे हैं, क्या लगता है इस मामले में क्या कहना? क्यों नहीं मनाएंगे उत्सव, क्यों नहीं मनाएंगे उत्सव? जो उनका ध्येय था आज वो पूरा हो गया। उनका ध्येय था कि दिल्ली को एक सीढ़ी बना करके देश भर की राजनीति करे, अपने सपनों को पूरा करे। दिल्ली की जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया, भरपूर समर्थन दिया, इतनी मेजोरिटी से वो जीत के आए, खूब इस्तेमाल कर रहे हैं जनता का पैसा। 528 करोड़ रुपए वो अपनी स्वयं की एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, तो उनका ध्येय तो पूरा होता है। अपने एमएलए की 4-4 गुना सैलरी कर दी, 21 संसदीय सचिव बना दिए, सबको गाड़ी बंगला दिला दिया, तो जो उनका ध्येय था कि जनता का पैसा उनसे खींच करके अपनी जेब में भरना वो पूरा हो गया, इसलिए वो उत्सव मना रहे हैं। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई लेना नहीं है, उनको तो केवल और केवल ये जनता के माल पे ऐश करनी थी, वो कर रहे हैं। इस तरीके से बीजेपी की तरफ से डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है, लोगों तक आप अपनी आवाज को कैसे पहुंचा रहे, किस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल का पर्दाफाश कर रहे हैं? देखिए, हमें पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों में खुद में ये संदेशा है कि वो ठग चुके हैं, इस सरकार ने उन्हें ठगा है। जितने 70 वायदे उन्होंने किए थे, 70 में से एक भी वायदा ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। आज कराइए ना आप, मीडिया के माध्यम से सर्वे करवाइए, अभी कुछ चैनल का सर्वे आया है, तो जनता को ये पता है कि केजरीवाल ने जो कहा था वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरफ उत्सव मना रहे हैं, वहीं बीजेपी उनके उपलब्धियों को नकारती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने कामकाज एक साल में किया उससे दिल्ली की जनता खुद को धोखा पाती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से ये लोग यहाँ दिल्ली के संसद मार्ग पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता से, किस तरीके से उन्हें बेवकूफ बनाती हुई नजर आ रही है और इन्हीं सारे मसलों को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी यहाँ संसद मार्ग पर एकजुट हुई है। मेजॉरिटी सिंह कैमरा पर्सन सतीश के साथ।